स्वागत है आपका एनडी न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के सितारगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शव यात्रा निकालकर अर्थी का दहन किया। सितारगंज में दर्जनों कांग्रेसियों ने देश में पेट्रोल डीजल एवं रसोई गैस के दामों में लगातार की जा रही मूल्य वृद्धि के विरोध में नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय मेनकट टॉकीज से मुख्य चौक द्वारा केंद्र सरकार के विरोध में पदयात्रा एवं शव यात्रा निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। उसके उपरांत मुख्य चौक पर पहुंचकर केंद्र सरकार की शव यात्रा अर्थी का दहन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत जन विरोधी नीतियों के चलते पेट्रोल डीजल एवं रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए गरीबों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, किसान के विरोधी बनाए गए 3 काले कानूनों को वापस ना किए जाने पर भी गहरा रोष प्रकट किया। आपको बता दें कि सितारगंज में दर्जनों कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार का विरोध करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। सितारगंज संवाददाता बिट्टू अंसारी की रिपोर्ट। पेट्रोल कई प्रदेशों में 100 पहुंच गया है, जिस तरीके से इन्होंने काले कानून किसानों के ऊपर थोपे हैं, जिस तरीके से गैस का सिलेंडर गृहिणी को घर चलाना मुश्किल हो गया है, इसी के विरोध में हमने इस निकारी सरकार, इस नकारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्थी सितारगंज के मेन चौराहे पर जलाई है और हम इसी तरह विरोध करते रहेंगे जब तक ये सरकार होश में नहीं आएगी। हम 30 रुपए डीजल और पेट्रोल देंगे और जब उस टाइम 350 का सिलेंडर था, आज वो 850 रुपए का सिलेंडर हो गया है। पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर चले गया है। ये इनकी सरकार है, इनकी नीति देखो। जो विरोध कर रहे हैं दोस्तों, बता रहे थे कि हम लोग सस्ती चीज देंगे और ये सस्ता डीजल पेट्रोल दे रहे हैं, किसानों का गला घोट रहे हैं। एक तो ऐसे काले कानून किसानों के ऊपर थोप दिए थे जो किसानों को चाहिए नहीं थे, और ऊपर से इतना डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए है कि खेती करने से किसान और मजबूर हो जाए। तो इसका घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं ऐसे भाजपा सरकार का जिन्होंने जनता का गला घोटने का काम किया है।